हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग के ऊपर कि स्कैफोल्डिंग की चित्र कैसे बनाया जाता है, कैसे स्कैफोल्डिंग की ड्राइंग बनाई जाती है। कई बार क्या होता है कि हमसे इंटरव्यू में बोला जाता है कि आप एक सेफ स्कैफोल्डिंग का ड्राइंग बना के दिखाइए, और वो हम ड्राइंग नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए आज हम एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे कि सेफ स्कैफोल्डिंग का ड्राइंग कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं और हम आपको बताते हैं कि कैसे सेफ स्कैफोल्डिंग की ड्राइंग बनाया जाता है। बहुत ही आसान है, इसको आप भी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। देखिए, पहले हम दो लकीरें खींचेंगे, पहली लकीर छोटी होगी, दूसरी लकीर उससे बड़ी होगी, फिर तीसरी लेंगे वो पहली के बराबर होगा, और चौथी लकीर लेंगे वो दूसरे वाले लकीर के बराबर होगा। एक बॉक्स टाइप का ये बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे, दूसरी केस में इनको आपस में मिला देंगे इस तरीके से। अब इसको हम इससे मिलाएंगे और यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। अब देखिए, ये आपका एक घनाकार बॉक्स तैयार हो गया। इसी से हम इसका फोल्डिंग की ड्राइंग भी तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान है, आप दस देखते जाइए, आपको बनाना पहली बार में आप भी सीख सकते हैं। देखिए, ये आपका हो गया जो बेस प्लेट का जैक होता है, वो एक जैक हो गया। ये आपका हो गया सोल प्लेट, ये हो गया आपका सोल प्लेट। इस तरह से हम सोल प्लेट को दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आपको बना देंगे लेजर, ट्रांजम और रनर। तो ये आपका हो गया लेजर, ट्रांजम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों, हम एक ऐसे करेंगे, फिर इनको यहाँ पे भी एक बॉक्स लाएंगे इस तरीके से, ऐसे। और यहीं पे हम टो गार्ड बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म की दशा में इसको दिखा रहे हैं। तो यहाँ से हम इसके टो गार्ड के लिए इसको ऐसे दिखा देंगे। अगर आप स्केल लेकर के उसके हिसाब से बनाएंगे तो आप और भी आसानी से इसको बना सकते हैं। और ये आपका पटरा हो गया, इसको थोड़ा सा हम डार्क कर दे रहे हैं ताकि ये टो गार्ड के रूप में दिखने लगे। इसको थोड़ा सा आप डार्क कर देना, ये आपका टो गार्ड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डार्कनेस में शो कर सकते हैं। ऐसे मिला देंगे, ये हमारा टो गार्ड जो है वो कंप्लीट हो गया। इसका फोल्डिंग का ये टो गार्ड हो गया। इस तरीके से हम इसमें प्लैंक दिखा देंगे, जो जाली रहता है जो वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो ये इसका आपका प्लैंक हो गया, ऐसे प्लैंक हो गया। अब इसकी मिडरेल, ये आपकी मिडरेल हो गई ऐसे, और ये हो गया आपका टॉप रिंग। ऐसे आप इसको जोड़ सकते हैं, ये हो गया आपका टॉप रिंग, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें इसमें लगाना है लेडर, तो लेडर के लिए हमेशा साइड में एक पाइप निकाला जाता है और उसके ऊपर ही हमारा लेडर जो होगा वो इस्टेब्लिश होगा। तो ये हो गया आपका लेडर, जिसकी सहायता से आप इसका फोल्डिंग पे ऊपर लैंड करेंगे। तो हमारा लेडर का चित्र हो गया, आप देख सकते हैं। अगर देखा जाए तो आपका ओवरऑल इसका फोल्डिंग बन के तैयार हो गया, जो किसी भी इंटरव्यूअर के कहने पर आप कितनी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो अब इसके नाम देख लेते हैं क्या है। ये आपका हो गया सोल प्लेट,
होल प्लेट हो गया। इसकी जो साइज होती है वो 300 × 300 mm का होता है। ये हो गया आपका, इसके ऊपर जो लगा रहता है उसको बोलते हैं बेस प्लेट। बेस प्लेट इसकी जो साइज होती है वो होता है 150 × 150 mm। इसको बोलते हैं कीकर लिफ्ट, कीकर लिफ्ट। ये जो बेस प्लेट से इसका जो दूरी होता है कीकर लिफ्ट का वो होता है 150 mm। इसको आप बोलते हो वर्टिकल पोस्ट। पोस्ट जो हमेशा 90 डिग्री पे रहता है। ये हो आ गया आपका लेजर, इसको बोलते हैं ट्रंजम। ट्रंजम ये हो गया आपका टो गार्ड, टो गार्ड। इसकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होता है, वो होता है आपका 150 mm, और थिकनेस होता है आपका 3 mm का। मिड रेल हो गया आपका मिड रेल। इसकी जो डिस्टेंस होती है प्लेटफॉर्म से मिड रेल की, वो होता है 450 mm टू 600 mm। ये हो गया आपका टॉप रेल, टॉप रेल। इसका जो होता है डिस्टेंस वो होता है आपका 900 टू 1200 mm। हो गया आपका लेडर, जो लेडर होता है वो हमेशा 75 डिग्री पे लगता है इसका फोल्डिंग में। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से एक सेफ इसका फोल्डिंग का ड्राइंग बना के आप अपने इंटरव्यूअर को दे सकते हो, वो भी बहुत कम समय में, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा वीडियो में मैं आपको जानकारी देने की कोशिश किया।